हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट क्या होता है देखते हैं। 2,4-DNP टेस्ट, DNP टेस्ट क्या है हम लोग समझते हैं इसको। 2,4-DNP टेस्ट है, देखिए इसको समझिएगा ठीक से। 2,4-DNP बेंजीन रिंग है, 2 पर नाइट्रो है और 4 पर भी नाइट्रो है। तो देखिए ये NH2 जो होता है ये हाइड्राजीन होता है और ये हो गया H, इसका रिप्लेस, इसका H रिप्लेस बॉन्ड यहाँ आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग 2,4-DNP। 2 पोजीशन पर है, 4 पोजीशन पर है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, 2,4-DiNitrophenyl। ये फिनाइल है, ये हाइड्राजीन है। 2,4-DiNitrophenyl हाइड्राजीन, 2,4-DiNitrophenyl हाइड्राजीन, ये एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट देता है। ये टेस्ट किसके लिए है, एल्डिहाइड। अब हम लोग जैसे लिक्विड लेते हैं, मान लीजिए एल्डिहाइड, कोई भी लिक्विड, एल्डिहाइड लिक्विड फॉर्म में रहता है, एल्डिहाइड लिए। इसका रिएक्शन इस तरह से लिखिए, आसान होगा समझने में। 2,4-LDHyde को H ऊपर कर दिए, डबल बॉन्ड ये। अब इसके साथ एल्डिहाइड ले लेंगे हम टेस्ट ट्यूब में, रिएजेंट, यही 2,4-DNP टेस्ट कर रहे हैं। तो 2,4-DiNitrophenyl हाइड्राजीन डालेंगे इसमें, H2N NH H, उसके बाद इधर दीजिए बेंजीन रिंग, फिनाइल मतलब 2,4-DiNitro। तो देखिए ये बेसिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर, ये तुरंत बॉन्ड ब्रेक करेगा, H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो H2O बाहर हुआ तो ये जो बना कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3। ये जरूरी नहीं कि CH3 लें, कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन, हर एल्डिहाइड और कीटोन देता है 2,4-DNP टेस्ट। तो अब ये प्रोडक्ट क्या बना, CH डबल बॉन्ड N आ गया, NH, और यहाँ से 2,4-DiNitro। तो अब जो ये प्लस H2O निकल गया होगा, प्लस H2O निकल गया, तो इसका जो नाम है 2,4-DiNitrophenyl। अब ये कहलाएगा हाइड्राजोन, हाइड्रा 2,4-DiNitrophenyl हाइड्राजोन। देखिए ये था 2,4-DiNitrophenyl हाइड्राजीन था। ये तो जानवे रहे हैं एल्डिहाइड है, इसको एसीटल्डिहाइड भी बोलते हैं या इथेनल भी बोलते हैं, एसीटल्डिहाइड। अब देखिए ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड फॉर्म में रिएजेंट लिए, लेकिन ये जो है ये रॉय कलर का प्रिसिपिटेट देगा। ये PPT किसका होता है, रॉय कलर का, PPT ऑफ रॉय कलर। रॉय मतलब ऐसा कुछ कलर नहीं है, रॉय कलर का मतलब हुआ रेड भी हो सकता है, ऑरेंज होगा,
ऑरेंज होगा, येलो होगा, इसके बीच का कलर होता है रॉय कलर, मतलब रेड पूरा रेड नहीं होता है, ऑरेंज इसके बीच का होगा या ऑरेंज येलो के बीच का होगा, इस तरह से हम लोग ये रॉय कलर का ये टेस्ट देता है। ठीक है, अब देखिए ये एसीटाइल्डिहाइड, तो ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये क्या हो गया सॉलिड, पीपीटी जो होता है सॉलिड फॉर्म में आ गया, ये सॉलिड फॉर्म में है पीपीटी ऑफ रॉय कलर। तो इसी कलर से हम लोग कलर चेंज से क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ले लिए मान लीजिए एल्डिहाइड, दूसरे में ये ले लिए, कलर चेंज कर गया, जैसे ड्रॉप वाइज डालेंगे कलर चेंज हो गया तो समझ जाएंगे कि ये एल्डिहाइड या कीटोन है। ये एल्डिहाइड या कीटोन का टेस्ट देता है, किसी एक का टेस्ट नहीं देता है, जैसे कीटोन लेते हैं। अब देखिए ये हो गया, अब हम लोग लेते हैं कीटोन, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अब कीटोन जैसे लेते हैं, कीटोन का रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान लीजिए यही है कीटोन CH3 CH3 CO, अगर इसका रिएक्शन कराते हैं H2N NH 2 4 DNP है ये NO2 और 4 पर NO2 है, ये भी लिक्विड एसीटोन लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड है, ये क्या है लिक्विड है, लिक्विड है, अभी तो कलरलेस है एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन, ये तो पहले भी लिखे थे, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये क्या इसका नाम क्या है 2,4-dinitrophenyl hydrazine, हाइड्राजीन। अब इसका जब देते हैं रिएक्शन होता है तो ये फिर H2O बार, इसमें हर वक्त H2O बार हो जाएगा, H2O बार हो गया तो क्या बन गया CH3 CH3 C double bond N NH N ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो N का ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए, ये 2,4-dinitrohydrazone ये कहलाएगा, ये अब जो सॉलिड पीपीटी बन गया, पीपीटी है मतलब सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, सॉलिड पीपीटी ऑफ रॉय कलर, रॉय कलर हम लोग रॉय कलर डिस्कस कर लिए थे, रॉय कलर क्या था फिर से बोल दे रहा हूँ, रेड ऑरेंज और येलो कलर का मिक्स फॉर्म में रहेगा, या प्योर कलर तो होगा नहीं, थोड़ा चेंज रहता है, इसी के बीच का कलर होगा, रेड ऑरेंज और रॉय कलर के बीच का, ठीक है, प्लस H2O इसमें भी बाहर निकला गया, तो इसका नाम हो गया 2,4-dinitrophenyl hydrazone, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, इस तरह से ये जो टेस्ट देता है, दिस टेस्ट कन्फर्म दी प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों के प्रेजेंस होने का टेस्ट है, और ये जो है ऑल टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स 2,4-DNP टेस्ट, ऑल टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड, ऑल टाइप्स ऑफ
एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स दिस टेस्ट। ये सब टाइप का, ऐसा नहीं है कोई ऐसा एल्डिहाइड हो जिसे एसीटल्डिहाइड से कराए, ये दिया था एसीटल्डिहाइड दिया पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट इसने भी दिया, एसीटोन लिए इसने भी दिया पॉजिटिव टेस्ट, बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड भी देगा पॉजिटिव टेस्ट, मतलब कीटोन ग्रुप होना चाहिए पॉजिटिव टेस्ट देता है पॉजिटिव टेस्ट, और ये बेंजल्डिहाइड है इसका नाम लिख देते हैं आप लोग कहीं भूल ना जाए, बेंजल्डिहाइड इसका नाम है एसीटोन, ये सब तो जानते ही हैं। अब ये एसीटोफिनोन भी देगा, क्या इसमें भी कीटोन ग्रुप है, एसीटोफिनोन भी देगा ये टेस्ट, बेंजोफिनोन भी देगा, बेंजोफिनोन का फॉर्मूला बेंजीन रिंग के बीच में सीओ ग्रुप, ये भी देगा आपको ये टेस्ट, इसका नाम हो गया बेंजो फिनोन, फिनोन सब देगा आपको पॉजिटिव टेस्ट, जितना भी है एल्डिहाइड और कीटोन सब देता है पॉजिटिव टेस्ट देती, ये हो गया आपका 2-4 DNP टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें यही याद रखना है कि लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म वो जो बना सॉलिड PPT का फॉर्मेशन होता है, एक हम लोग पढ़ते हैं सिप रिएजेंट, एल्डिहाइड और कीटोन का ये सिप रिएजेंट, देखिए सिप रिएजेंट कम यूज करता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है IIT मेडिकल के लिए मेनली आप इम्पॉर्टेंट है, ये सब जितना भी टेस्ट पढ़ रहे हैं सब वो आगे काम देगा IIT मेडिकल में। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं सिप टेस्ट, सिप टेस्ट, सिप टेस्ट, सिप्स टेस्ट, सिप्स टेस्ट है क्या चीज पहले देखिए, ये मिक्सचर है किसका, पारा रोजा, पारा रोजा नीलाइन प्लस कुछ HCl डालते हैं प्लस H2SO3 का मिक्सचर है, ये जो है कहलाता है सिप टेस्ट, सिप्स रिएजेंट, यही बना सिप्स रिएजेंट है क्या चीज कैसे होता है, पारा रोजा नीलाइन इसका फॉर्मूला देखिए आप लोग, पारा रोजा नीलाइन NH डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग से अटैच है, ठीक है बेंजीन रिंग से अटैच कीजिए इसको, पाई बॉन्ड यहाँ, ये फिर यहाँ से डबल बॉन्ड है यहाँ पर, यानी कार्बन हो रहा होगा कार्बन, ये बेंजीन रिंग एनिलीन नीलाइन है तो एनिलीन ग्रुप होगा, एनिलीन ग्रुप डाल दिए और इधर भी बना दीजिए इसको, तो ये सब पूछेगा स्ट्रक्चर नहीं, आपको जनरली स्ट्रक्चर नहीं पूछता है, यही है पारा रोजा नीलाइन, ये क्या है, यही है पारा और रोजा नीलाइन, पारा रोजा
नी लाइन है, पारारोजा ली लाइन जो है मैग्नेटा कलर का होता है। किस कलर का होता है? मैग्नेटा कलर। मैग्नेटा कलर किस टाइप का है? ये रहता है इन बिटवीन पिंक एंड वायलेट कलर। दिस कलर कलर रिमेंस इन बिटवीन पिंक एंड वायलेट कलर। ये मैग्नेटा कलर जो होता है, मैंजेटा, ये कलर इसके बीच में होता है, पिंक और वायलेट के बीच में होता है, इसी को मैग्नेटा कलर। इसको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें HCl जैसे मिलाएंगे, H+Cl- के फॉर्म में रहेगा ये। HCl मिलाते हैं तो इसके लॉन्ड पेयर पे अटैक करेगा, तो फिर इसको सेटिस्फाई करने के लिए Cl भी आ जाता है। तो देखिए ये बन जाएगा NH। अब यहाँ तीन बॉन्ड बन गया, चौथा बॉन्ड भी बन गया, नहीं चौथा बॉन्ड जैसे बनेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव चार्ज Cl- आ गया। अब देखिए इसका ऐसे कर लिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है CnH2, यहाँ पर भी फिर NH2 है, ये NH2 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे क्या? सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ठीक है। H2SO3 जो मिलाएंगे तो ये किस फॉर्म में होगा? H2SO3 H+SO3- के फॉर्म में होगा, HSO3- के फॉर्म में, ठीक है। अब जब इसको मिलाते हैं तो क्या प्रोडक्ट देगा भाई? तो यहाँ जो है उसको लिखिए पहले Cl- बॉन्ड नहीं शो करना होगा, NH डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन पर फिर डबल बॉन्ड, ये हो गया NH2, ये हो गया NH2। अब देखिए H2SO3 जैसे आएगा तो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ इस कार्बन पे एक H ऐड होगा और इस कार्बन पर HSO3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। HSO3 ऐड हुआ तो इसके कारण अब क्या हो गया? यहाँ देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, लॉन्ग चेन में रहेगा तो रेजोनेंस होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ज़्यादा होगा तो कलर शो करता है। यहाँ पर ब्रेक कर गया रेजोनेंस, यहाँ से यहाँ, यहीं से यहाँ पाई बॉन्ड ट्रांसफर होगा, इधर अब जा नहीं पाएगा, तो ये अब हो गया कलरलेस ड्यू टू absence of pi bond and breaks the resonance को क्या किया? ब्रेक कर दिया। ये ओरिजिनल मेरा कलर हुआ, यही है कलरलेस, जो यानी हमला मेरा जो रिएजेंट फाइनल यही बना, इसी को बोलते हैं सिप रिएजेंट, यही है सिप्स रिएजेंट। ये कैसा होगा?
कलरलेस होगा। ये क्या होगा? कलरलेस है। अब देखिए, इसमें जब एल्डिहाइड मिलाएंगे, इसमें जब एल्डिहाइड को मिलाते हैं, एल्डिहाइड को मिलाएंगे, ये क्या होगा? रिस्टोर हो जाएगा कलर, फिर ओरिजिनल मैग्नेटा कलर में आने लगेगा। रिस्टोर द कलर। ये क्या करेगा? जैसे एल्डिहाइड अभी कलरलेस है, मेरा सिप रिएजेंट जो होता है वो कलरलेस होता है, एल्डिहाइड डालेंगे तो किस कलर में? मैंजेटा कलर में रिस्टोर कलर ऑफ मैंजेटा कलर ये रिस्टोर हो जाता है। तो इससे टेस्ट करते हैं कि ये एल्डिहाइड है। अब है कि मान लीजिए, ये तो एलिफैटिक एल्डिहाइड के केस में फास्टली होता है, ठीक है, यही हुआ, ये पारारोजानी लाइन HCl से रिएक्शन करके ये दिया, SO3 से रिएक्शन करके कलरलेस सिप्स रिएजेंट ये कलरलेस है, कलरलेस सिप्स रिएजेंट फॉर्म कर गया। अब जब इसमें एल्डिहाइड और कीटोन डालते हैं तो रिस्टोर कलर होने लगता है। तो देखिए एलिफैटिक, अब इसको मिटाते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए एल्डिहाइड प्लस सिप्स रिएजेंट डालते हैं तो ये क्विकली कलर चेंज करता है, रिस्टोर कलर फास्टली करेगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड है। अब ऐसा भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, RCOOR ले लिए, या बेंजल डिहाइड ले लिए। अगर ये दोनों में मिलाते हैं हम लोग सिप्स रिएजेंट को मिलाते हैं हम लोग, तो ये दोनों जो है रिस्टोर कलर करेगा, बट टेक्स मोर टाइम। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए हम लोग इसका टेस्ट के लिए हम लोग क्या डालते हैं? एलिफैटिक एल्डिहाइड डालते हैं। ये दोनों इस मोर टाइम लेगा। फोर्थ अगर लेते हैं बेंजोफिनोन अगर ले लिए, इसमें भी कीटोन ग्रुप है, सिप्स रिएजेंट डालेंगे कलर चेंज से इन पर करते हैं, नॉट रिस्टोर द कलर। ये कलर रिस्टोर नहीं कर पाता है। तो ये जो है मेनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये फास्टली मैंजेटा कलर रिस्टोर करता है, रिस्टोर मैंजेटा कलर फास्टली लिख दीजिए। ये फास्टली करेगा और ये दोनों स्टोर तो करेगा, लेकिन कलर रिस्टोर करेगा लेकिन
टाइम बहुत लगेगा, ये स्टोर ही नहीं करता है। तो एक तरह से हमको बेंजोफिनोन और इसका टेस्ट भी, एलिफेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट भी मान लीजिए कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर लेती है, सिप्स रिएजेंट से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये कलर रिस्टोर नहीं करता है, वो कलर रिस्टोर करता है। तो ये दोनों रिएजेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए है, IIT मेडिकल के लिए है, इसको केयरफुली देखेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे को ये सब वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।